तो गाइस इस प्रकार के न्यू ईयर के ऊपर वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले गाइस आपको वीपीएन को कनेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे गाइस मैं ऑलरेडी पहले से वीपीएन को कनेक्ट कर लिया हूँ, आप भी गाइस सबसे पहले वीपीएन को कनेक्ट कर लीजिएगा। देन गाइस वीपीएन कनेक्ट हो जाने के बाद आपको इसको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर देना होगा। अगर गाइस आपके पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो गाइस आप लेटेस्ट वर्जन वाला कैपकट एप्लीकेशन को क्रोम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर कैपकट एप्लीकेशन का लिंक दे दूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कैपकट एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको यहाँ से गाइस न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से गाइस आपको एक 9 सेकंड को वीडियो को ऐड कर देना होगा। इस 9 सेकंड को वीडियो को गाइस मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देन गाइस स्क्रॉल करके आपको यहाँ से लास्ट में चैनल कैपकट के लोगो पे क्लिक करके और डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से गाइस इसको डिलीट कर देना होगा। अब गाइस आपको यहां से न्यू ईयर का इमेज ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली गाइस न्यू ईयर के इमेज को ऐड करने के लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके और यहां से गाइस आपको न्यू ईयर का इमेज को ऐड कर देना होगा। अगर गाइस आपके पास न्यू ईयर के इमेज नहीं है तो गाइस मैं अल्टीमेट इमेज को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इस प्रकार से ऐड करके और नीचे ऐड वाला ऑप्शन पर गाइस आपको क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से गाइस इमेज ऐड हो जाने का जो इमेज फुल स्क्रीन में नहीं रहेगा उस इमेज को गाइस आपको सिंपली फुल स्क्रीन में इस प्रकार से क्लिक करके और फुल स्क्रीन में कर देना होगा। और इस प्रकार से हो जाने के बाद गाइस आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आ जाना है और इसमें ऑडियो को ऐड करने के लिए ऐड ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पे गाइस आपको क्लिक करना होगा। और जिस वीडियो को गाइस अभी आप प्रीव्यू में देख ले उसको यहां से आपको सेलेक्ट करके इंपोर्ट साउंड वाले ऑप्शन पे गाइस आपको क्लिक कर देना होगा। इस वीडियो को गाइस मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। देन गाइस जहां से हमारा इमेज स्टार्ट होता है वहां पे आपको चले आना होगा और फर्स्ट वाले इमेज पे क्लिक करके और सिंपली गाइस आपको इस इमेज को 0.7 सेकंड पे करना होगा। यहाँ से गाइस आपको सभी इमेज को 0.7 सेकंड तक करना होगा। तो आप इस प्रकार से गाइस सभी इमेज को 0.7 सेकंड तक कर दीजिएगा। तो ऑल्टोल इमेज को 0.7 सेकंड तक कर देने को तो गाइस आपको जो इमेज इसमें एक्स्ट्रा बचेगा उस पर क्लिक करके और डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से गाइस आपको एक्स्ट्रा इमेज को डिलीट कर देना होगा। लास्ट वाले इमेज में गाइस आपको सिंपली जूम करके इस प्रकार से क्लिक करना होगा और जहाँ तक हमारा सॉन्ग रहेगा वहाँ तक आपको इसको रहने देना है। देन गाइस फिर से आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे चले जहाँ से हमारा इमेज स्टार्ट होता है और फर्स्ट वाले इमेज पे क्लिक कर देने के बाद गाइस आपको एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने का थोड़ा सा आपको वेट करना आई क्रॉस करके और जूम टू वाले ऑप्शन पे गाइस आपको यहाँ से क्लिक करना होगा और इस प्रकार से गाइस आपको खींच करके और यहाँ से सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो इसी प्रकार से गाइस आपको ऑल्टोल इमेज जो है सो एनिमेशन को ऐड करने के सभी इमेज गाइस आपको जूम टू वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक करना होगा। तो यहीं से गाइस आप आगे को स्क्रॉल करके और जूम टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस प्रकार से खींच करके और सही वाले ऑप्शन पे गाइस आपको क्लिक करना होगा। तो इसी अकॉर्डिंग गाइस आपको ऑल्टोल इमेज जूम टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा जिस प्रकार से मैं इसमें करा उसी प्रकार से। तो इसी प्रकार से गाइस जूम टू वाले ऑप्शन पे कर देने के बाद खींच करके और यहाँ से गाइस आपको जिस इमेज में यहाँ पर से खींच करके पूरा करके और सही वाले ऑप्शन पे गाइस आपको क्लिक करना होगा। देन गाइस फिर से आपको जहाँ से हमारा इमेज स्टार्ट वहाँ पे आपको चले आना होगा और इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ से गाइस आपको वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, थोड़ा सा वेट कर लेना होगा और यहाँ से गाइस आपको बटरफ्लाई वाले ऑप्शन पे गाइस आपको क्लिक करना होगा। स्क्रॉल करके बटरफ्लाई वाले ऑप्शन पे गाइस आपको चले आना होगा और यहाँ से आपको क्लिक करना होगा। थोड़ा सा वेट कर लेने को गाइस आपको बटरफ्लाई ड्राई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सही वाले ऑप्शन पे गाइस आपको यहाँ से क्लिक करना होगा और फर्स्ट इमेज के अकॉर्डिंग गाइस आपको इसको एडजस्टमेंट कर लेना होगा। यहीं से गाइस आपको कॉपी कर देना होगा और कॉपी कर देने के बाद आई क्यू गाइस आपको इसको स्क्रॉल करना होगा। फिर से गाइस क्लिक करके और कॉपी करना होगा। इसी प्रकार से गाइस आपको आगे की ओर स्क्रॉल करना होगा। तो इसी अकॉर्डिंग गाइस आप कॉपी करके और आगे की ओर स्क्रॉल कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हो जाने के बाद गाइस आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे चले आना होगा। एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेना है कि वीडियो किस प्रकार से बन चुका है। फुल वीडियो को देखने के बाद गाइस आपको वीडियो को सेव करना पड़ेगा। तो सिंपली गाइस वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ से गाइस आपको सेव टू डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से गाइस वीडियो सेव होकर आपके गैलरी में चला जाएगा। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक करके हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए। तो गाइस आज के लिए इतना, मिलते फिर से नेक्स्ट वीडियो में।